योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप अच्छी तरह जानते हैं। 13 क्रिमिनल केसेस हैं उनके खिलाफ पेंडिंग, जिनमें इरादा कत्ल का है, जिनमें हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का है। और उनकी जबान से मैं तो कहता हूँ बहुत ज्यादा कि जिस तरह उनके जबान से अल्फाज तो निकलते हैं, जहर निकलता है। जंगल में रहने वाला अज्जा जो पूंछ से लेके और मुंह तक जहर से भरा होता है, उसे भी योगी के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि मुझसे ज्यादा जहर इस आदमी ने कहां से आ गया। तो ऐसे लोगों से आपका मुकाबला, समझौता होना चाहिए। लेकिन अगर समझौता नहीं होता है तो कांग्रेस अपने दम पे चुनाव। कांग्रेस का वजूद लगभग उत्तर प्रदेश में जो है अभी बहुत परिश्रम की स्थिति में है। ऐसे हालात में अकेले दम पर चुनाव लड़ते कितनी सीटें जीतने की आप उम्मीद जताते हैं? आप सोचते हैं हम तीनों प्रदेशों में चुनाव जीते हैं, वहाँ हमने सरकार बनाई है। यूपी के अंदर 2009 में हम सबसे बड़ी पार्टी थे। भारतीय जनता पार्टी एक जमाने में सिर्फ 2 MP रखती थी, आज सरकार में। तो इसलिए कांग्रेस को कम मत आंकी। गुलाम नबी आजाद साहब और आज राजबब्बर साहब दोनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा था कि हम लोग जो है जो भी बीजेपी को हराने वाले दल हैं वो हमारे साथ आए, उनका स्वागत करते हैं। तो ऐसे कौन सा दल मानते हैं आप, कौन लोग हो सकते हैं? जो हमारी विचारधारा से मिलता है सेकुलर राजनीतिक दल है, हम उसको अपने साथ मिलाने के लिए तैयार है। वो कोई भी दल, छोटा हो बड़ा।